वर्धा काटोल बस में 2.5 लाख के गहनों पर हाथ साफ, कोंडाली थाने में शिकायत दर्ज। यहां के बस स्टेशन से सुबह 10 बजे वर्धा काटोल बस में चढ़ते समय किसी अज्ञात चोर ने बैग में रखे गहनों का पर्स बैग की चेन खोलकर अंदाजन 2.5 लाख से अधिक कीमत के गहनों पर हाथ साफ कर दिया है। यहां पर हो रही चोरियों की वजह से यहां CCTV लगाने की मांग की जा रही है। नागपुर अमरावती तथा आगे जाने तथा आने वाले अंदाजन 280-290 यात्री बस गाड़ियां यहां से आवागमन होता है। कोंढाली बस स्टेशन से नागपुर अमरावती वर्धा तथा काटोल के साथ साथ यहां के 42 गांव के लिए प्रतिदिन बस सेवा शुरू रहती है। यहां के बस प्लेटफॉर्म पर बसें नहीं लगाई जाने की वजह से यात्रियों को प्लेटफॉर्म से बस तक जाते समय बस में चढ़ने उतरने की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में भीड़ का फायदा चोर उठाते हैं। यदि बसें नियोजित प्लेटफॉर्म पर लगाई जाए तो ऐसी घटनाएं पर काबू पाया जा सकता है। यह जानकारी स्थानीय यात्री संगठन के सुभाष पाटिल ठौले ने दी है। बस प्लेटफॉर्म पर नहीं लगती। नागपुर अमरावती तथा आगे जाने तथा आने वाले अंदाजन 280-290 यात्री बस गाड़ियां यहां से आवागमन होता है। कोंढाली बस स्टेशन से नागपुर अमरावती वर्धा तथा काटोल के साथ साथ यहां के 40-42 गांव के लिए प्रतिदिन बस सेवा शुरू रहती है। यहां के बस प्लेटफॉर्म पर बसें नहीं लगाई जाने की वजह से यात्रियों को प्लेटफॉर्म से बस तक जाते समय बस में चढ़ने उतरने की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में भीड़ का फायदा चोर उठाते हैं। यदि बसें नियोजित प्लेटफॉर्म पर लगाई जाए तो ऐसी घटनाएं पर काबू पाया जा सकता है। यह जानकारी स्थानीय यात्री संगठन के सुभाष पाटिल ठौले ने दी है। अधिक खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए स्टार एपिक्स न्यूज़।